हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस आपका एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर करा रहे हैं। रीजनिंग के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एक से एक प्रश्न आपका निश्चित तौर पर पूछता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया सी सेट में जो एनालिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग वो पोर्शन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीक के जो हमारे सेशंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाला हुआ, लीनियर वाला हुआ और सर्कुलर, उसके बाद पजल, ब्लड रिलेशन और अगला जो आएगा वो सीरीज वाला होगा, वो सब क्वेश्चन जो आपके जो टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी ब्लड रिलेशन वाले में टॉपिक में थोड़ा सा चेंज हुआ है। आजकल यहाँ पर क्या करता है, जो अभी का पैटर्न है ना, जो आपका साइन इन्वर्शन वाला, साइन वाला हुआ और एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स वाला ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले पूछता है। पहले स्टेटमेंट वाला पूछता था, अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या हो गया, अब वहां से क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके अब वहां पे थोड़ा सा कंटिन्यूस वाला और वो वाला, जिसमें हम लोग क्या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी, मतलब ए बी का पिता, उस टाइप वाला। ठीक है, ब्लड रिलेशन जब अपन करेंगे तो इससे पहले अपन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये हम समझेंगे रिलेशन यहां पर क्या होता है, दो साइड से होता है। एक हमारे पास होता है पिताश्री साइड से होता है, दैट्स मींस फ्रॉम द फादर साइड, और दूसरा हमारी माताश्री के साइड से होता है माता। जैसे वहां पर बनेगा दादा, ठीक, दादा दादा दादी, तो क्या हो जाएगा, नाना और नानी हो जाएगा अपने पास। वहां पर चाचा और चाची हो जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, मामा, और यहाँ पर क्या बनेगा, मामी बनेगा। कोशिश करना इस टाइप वाले क्वेश्चंस को अपन लोग क्या करें, इंग्लिश में कवर करने का, हिंदी में भी अच्छा रहता है, बट ट्राई करेगा थोड़ा इंग्लिश में, वो इजी पड़ता है आपके पास। ठीक है, तो पहला काम आपको ये देखना पड़ेगा कि रिलेशन आपके फादर साइड से है कि आपके मदर साइड से, पहले आपको ये देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और दूसरा क्या करेंगे, जब भी आप रखेंगे तो आप इमेजिन कर लीजिएगा वहां पर, जैसे स्टेटमेंट वाले के बारे में बात होगी ना, तो स्टेटमेंट वाले में इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये सोच कंसिडर कर लीजिएगा जिसके बारे में बात हो रही है वो व्यक्ति आप है। तो आप जब अपने आप से उस व्यक्ति को कोरिलेट करेंगे ना, तो आपको वो इजी पड़ेगा आपको, है ना, ब्लड रिलेशन। क्योंकि क्या होता है कि हम बचपन में, हम जो भारत होता है संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो हमको मालूम होता है कि नाना नानी, दादा दादी, फूफा, भतीजी, भतीजा, भांजा किस तरीके से, तो हमको इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है, तो वहां से उस तरीके से होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज pointing towards Sita, Nikhil said, I am the only son of her mother's mother. Statement को पकड़ना बस आपको सबसे important है। How is Sita related to Nikhil? Sita की ओर इशारा करते हुए Nikhil ने कहा, मैं उसकी बेटे का इकलौता बेटा हूं, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूं। ठीक है, उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा, समझना। अगर मैं बोला कि मैं मेरी, यहां पर क्या बोल, जिसके बारे में, लड़की के बारे में बात हो रही है यहां पर, उसकी माँ के बेटे का इकलौता, माँ के बेटे का इकलौता बेटा, ठीक है, मतलब जो माँ होगी ना, माँ के बेटे का इकलौता बेटा, तो वो जो दो जन के बारे में बात हो रही है वो आपस में यहां पर क्या हो गए, भाई और यहां पर क्या हो गए, बहन हो गए। ठीक है, भाई और यहां पर क्या हो गए, बहन हो गए। और यहां पर बात किसकी हो रही है, उसके, किसकी हो रही है अपने पास, उसके सन की हो रही है, मतलब उसके बेटे के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है, यहां पर बोल रहा हूं, यहां पर क्या बोल रहा है, ओनली सन ऑफ हर मदर सन, मदर सन, मदर्स सन, मदर सन, मतलब अगर मैं बोला, मैं सपोज मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं बोला कि यहां पर मदर, सॉरी, मैं लड़की हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरी माँ का बेटा, मेरी माँ का बेटा मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर जो व्यक्ति है अगर वो मेरी माँ का बेटा, मतलब मैं आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, और वहां उसके बेटे के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर बेटी इसको यहां पर क्या बुलाएगी, आंट बुलाएगी, मतलब चाची बुलाएगी। ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट पकड़ के आप एक स्टेटमेंट पकड़ेंगे और वहीं से अपन क्या करेंगे, उसको कोरिलेट करते रहेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान समझना आपका ये है। नाउ लेट्स कम टू द, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस स्टेटमेंट पे ध्यान देना आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी है आपका। ठीक है, ये टॉपिक लगता है आपको बहुत हार्ड है, लेकिन आप स्टेटमेंट पकड़ के अगर आप समझ गए वहां पर किस तरीके से होगा तो वो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर। ठीक है भाई, ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर, मदर्स मदर सन है,
किसका सन है? मदर, मदर, समझ रहे हैं? उसकी जो माँ है ना, उसकी जो मतलब जो नानी है, नानी का बेटा। तो नानी का जो बेटा होगा, नानी का बेटा होगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको? मामा। समझ में आ रहा है? क्या बोलूंगा उसको? यहां पर क्या बोला उसको? यहां पर मामा बोला मैं उसको, ठीक है। और मैन, अ वुमेन सेड, औरत बोल रही है, औरत बोल रही, क्या कर रहा है वो उसका यहां पर क्या? मामा, क्योंकि यहीं पर बोलना अपने को। मदर्स मदर, सन है किसका? उसकी जो माता राम है, उसकी जो माता राम है उसका बेटा, मतलब वहां पर वो क्या होगा? उसका मामा हो गया। तो लड़की यहां पर क्या होगी? वो उसको मामा बुलाएगी। तो वो लड़का, वो लड़की उसकी यहां पर क्या हुई? नाइस, मतलब यहां पर क्या हुआ आपका? भतीजी हुआ, ठीक है। वैसे आपको यहां पर ऑप्शन क्या देगा? आपको भांजा भी देगा, भांजी भी दे सकता है आपको, याद रखना। ये भतीजी की जगह यहां पर क्या देगा आपके पास? यहां पर क्या होगा आपके पास? यहां पर क्या? भांजी भी दे सकता है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, इंग्लिश वाले में यहां पर क्या होता है, जैसे मैटरनल अंकल बोला या पैटर्नल अंकल बोला, तो चाचा हुआ, ठीक है, फूफा हुआ, वो सारे मैटरनल अंकल के में आते हैं। इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन लोग, इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। इस भतीजे की जगह आपको सपोज आपको भांजी देगा तो भी वही आपका आंसर होगा, उस चीज को याद रखेगा, ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। आपके पास रघु और बाबू दो ट्विंस है, मतलब जुड़वा है, ठीक है, दोनों भाई है। यहां पर जुड़वा के बारे में बात हो रही है। बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमाज हस्बैंड इज राजन, रघुज मदर इज लक्ष्मी। अब ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, जब भी यहां बड़ा स्टेटमेंट होगा तो क्या करना, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो स्टेटमेंट वाला था ना, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट था, सिंगल स्टेटमेंट था। सिंगल स्टेटमेंट यहां पर क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, हम यहां से क्या कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, इसलिए हम वहां से डायरेक्टली स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होगा, अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कॉमन गलती करते हैं, वो कॉमन गलती ये होता है कि हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न के पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम उसको डिसाइड करते हैं कि ये हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और आपको लगता है कि ये बनेगा तो आप बनाना चालू करते हैं, और आपको लगता है कि नहीं यार नहीं बनेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप अगले प्रश्न में जाते हैं या उसमें थोड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने प्रश्न देखा, प्रश्न को पूरा पढ़ने के बजाय आप जो सिस्टम से पढ़ जो देख रहे हैं आप उसको लिखते चलिए, लिखते चलेंगे तो क्या होगा, अगर आपके पास, अगर वो आपके पास लिखता हुआ आएगा तो क्या होगा, एक स्टेटमेंट के रूप में एक कंटिन्यूअस सीरीज बनेगा, तो आपको आंसर फाइंड करने में इजी होगा, ठीक है। तो हम वैसे ही पढ़ लेते हैं यहां पर, रघु एंड राम, रघु एंड बाबू आर ट्विंस, रघु और बाबू जुड़वा है, तो यहां पर आपके पास रघु हो गया, और यहां पर क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हुआ बाबू, ठीक, रघु और यहां पर क्या हो गया बाबू हो गया। बाबू सिस्टर इज रीमा, ठीक, बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमा बाबू की सिस्टर हो गई, बाबू की सिस्टर मतलब देखो दोनों जुड़वा भाई है, तो अगर ये इसकी सिस्टर हुई थी, इसकी भी यहां पर ऑब्वियसली बात यहां पर क्या होगी, सिस्टर ही होगी दोनों की यहां पर। और यहां पर क्या बोला, रीमाज हस्बैंड इज राजन, यहां पर राजन है एक व्यक्ति, ये जो राजन है ना, क्या है राजन, ये इसका यहां पर क्या हस्बैंड है, ये इसका हस्बैंड है, ठीक, तो ये दोनों उसके ब्रदर इन लॉ हो गए, ठीक। और क्या दिया है, रघुज मदर इज लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्मी इसकी माता राम है, और लक्ष्मी के हस्बैंड कौन है, राजेश, यहां पे राजेश, ठीक है, यहां पे राजेश, हमको यहां पर क्या हुआ, राजेश राजन से किस प्रकार, राजेश राजन से, तो राजेश राजन से किस प्रकार, मतलब राजन राजेश को यहां पर क्या बोलेगा, क्या बुलाएगा, ससुर बुलाएगा, फादर इन लॉ बुलाएगा, ठीक। अच्छा इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बोलेगा राजन का संबंध राजेश से किस प्रकार है, तो क्या हो जाएगा, दामाद, तो ये भी याद रखना कि हम यहाँ पर किस तरीके से क्या बोल रहे हैं, ये चीज को याद रखना, कौन किसको बोल रहा है। जैसे अगर मैं बोला कि ए बी का बेटा है, तो ए बी का बेटा बोला मतलब ए बी का बेटा है, तो ए कन्फर्म हो गया बेटा, और बी जो हो सकता है वो उसकी माताराम भी हो सकती है, उसकी पिताश्री भी होते हैं, तो एजम्पशन भी लेके चलेंगे ब्लड रिलेशन में, याद रखना। फिर जैसे हम फर्दर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां से हमको क्लियर हो जाएगा कि मेल है कि यहाँ पर फीमेल है, अगर फीमेल होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, माता राम, मेल होगा तो क्या हो जाएगा, पिताश्री होगा, उस चीज को याद रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आजकल के पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछता है, जहां पर एक फैमिली के बारे में आपके पास अलग अलग आपके पास सदस्य होते हैं, और उसी से आपके तीन चार क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपका देखते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको।
फिर आगे हम देखते हैं। ठीक, फैमिली में 6 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है आपके पास, 6 सदस्यों का एक परिवार है। ठीक है भाई, ए बी सी डी ई और एफ। तो पहला काम जो जो दिया उसको लिखते चलते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो जब भी फैमिली मेंबर्स के बारे में बोलेगा ना, तो दो चीज होगा, यहां पर जो होगा, जो ये वाला एरिया होगा, यहां पर आप बना लो मेल और फीमेल का, है ना, यहां पर क्या बना लो, मेल और फीमेल का बना लो, और यहां पर क्या बना लो आप, उनके रिलेशन क्या बनते हैं आप ये बना लो। ठीक है, रिलेशन बनाने तक आपको याद रखना, जैसे मैं बोला कि ए बी का भाई है, अगर मैं बोला ए बी का भाई है तो ए कंफर्म हो गया कि आपके पास मेल मेंबर है। ठीक, बी का भाई है तो बी क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, हम दोनों एजम्पशन को लेके चलेंगे। और फिर उस स्टेटमेंट को हम आगे पढ़ेंगे तो वहां से आपको मालूम चलेगा कि वो गर्ल्स के बारे में बात हो रही कि बॉयज के बारे में बात हो रही, इस चीज को याद रखना। ठीक है, पहला, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, मैरिड कपल, ए और बी विवाहित जोड़े मैरिड कपल, उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा। बी एफ की पुत्र वधु है, बी एफ की पुत्र वधु है, पुत्र वधु मतलब डॉटर इन लॉ हो गई, तो मतलब ये कंफर्म हो गया फीमेल मेंबर हुआ और ये एफ की पुत्र वधु है, एफ की पुत्र वधु हो गया मतलब ये इसका फादर हो गया और दोनों शादीशुदा, मतलब ये क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, याद रखना एफ क्या है, इसका फादर है, तब इसका यहां पर क्या होगा, पुत्र वधु आपके पास होगा। डी सी का इकलौता पुत्र है, डी सी का इकलौता पुत्र है, ये इसका सन, डी सी का इकलौता पुत्र है, डी सी का इकलौता पुत्र है, मतलब ये क्या हो गया, मेल हो गया और ये मेल, और यहां पर क्या हो जाएगा, फीमेल, ये दोनों में कुछ भी हो सकता है क्योंकि डी यहां पर सी का बेटा है, तो सी क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो डी का पिताश्री भी हो सकता है, उसकी माता राम भी हमारे पास हो सकती है। ठीक, अच्छा, ई डी की बहन है, ई डी की बहन है, ये इसकी यहां पर क्या हो गई, सिस्टर हो गई, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है और ये इसके पिताश्री जो भी यहां पर। ठीक, एफ का पति मर चुका है, एफ का पति मर चुका है, तो ऑब्वियसली बात है ये अपने पास मेल है, एफ का पति मर चुका है। सी ए का भाई है, सी ए का यहां पर क्या है, भाई है, भाई है मतलब जो फीमेल वाला केस होगा वो कट जाएगा। तो मतलब ये मेल होगा और किसका भाई है, जो सी है ए का भाई है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है मतलब मेल हो गया, ये ए का यहां पर क्या हुआ, ब्रदर, भाई, वो याद, ये ब्रदर हुआ तो इसका ब्रदर इन लॉ होगा, जो भी हमारे पास ये होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं हमको यहां पर कह दिया, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, ये बोला अपने पास, एफ का पति मर चुका, अच्छा सॉरी सॉरी, एफ का पति मर चुका है ना, बी एफ की पुत्र वधु, सॉरी एफ का पति मर चुका बोला ना, एफ का पति मर चुका मतलब यहां पर ये इसकी मदर होगी ना भाई, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, तो ये कौन होगा हमारे पास, ये हमारे पास फीमेल मेंबर हुआ, ये हमारे पास फीमेल मेंबर हुआ और ये इसकी यहां पर क्या होगी, पति मर चुका मतलब माता राम होगी ना, याद रखना, सिस्टर मतलब यहां पर क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ यहाँ पर, ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माताश्री हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना, यहाँ मैंने स्टेटमेंट यहाँ से पहले फादर लिखा था ना, क्योंकि वहां पर ध्यान नहीं दिया था, तो क्योंकि यहाँ पर पुत्र वधु दिया मतलब वो उसका बेटा भी, मतलब ये कंफर्म है कि उसका बेटा है, ये उसकी माता भी हो सकती है, पिताश्री भी हो सकती थी, और आगे यहाँ पर बोला था कि एफ का पति मर चुका मतलब वो मेल मेंबर हो नहीं सकता, फीमेल मेंबर। ठीक, तो एफ ऐसे किस प्रकार संबंधित है, माता राम। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई
सी से, ठीक, ये दोनों बेटा मेल है ना, ई सी से बेटा, सॉरी बेटी बेटी, मतलब ई जो होगा ई सी से मतलब ई रिलेटेड से मतलब मदर डॉटर, ठीक है ना, क्योंकि ये बोला ई बोला ना, ई जो है सी से, सी ई से नहीं है, अगर मैं बोलूंगा सी ई से तो यहां पर क्या हो जाएगा डॉटर, ठीक है, तो ये यहां पर आपस में क्या, नहीं नहीं सॉरी सर, ये इसका ब्रदर है, ब्रदर का यहां पर सन है ना, ठीक सन, हाँ ठीक ठीक, ये इसका सन है ना, तो ये दोनों आपस में भाई बहन, तो इसका क्या होगा पिता होगा, तो वहां पर डॉटर होगी, ठीक। अच्छा अगर मैं बोलूंगा ना, हाँ ठीक 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 सही, ठीक ठीक, अब मैं क्या बोलूंगा सी ए से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका मेल मेंबर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, उस चीज को याद रखना, ठीक है, ओके। हु इज सी का बी से क्या संबंध है, 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 ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अगला, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स, अपन वहां देख चुके थे तीन मेल और तीन फीमेल, अच्छा वापस देख लेते हैं, तीन मेल है और तीन फीमेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, सब लाइन से दिया हुआ है, डी इज फीमेल, चलो ठीक है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए जो है बी की सिस्टर है ना भाई, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर, फीमेल मेंबर, ए बी की सिस्टर है, तो बी ए का भाई कुछ भी हो सकता है, अच्छा बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो मतलब फीमेल मेंबर, मेल मेंबर, और B इज द ब्रदर ऑफ C, C का यहां पर ये कौन है ब्रदर, तो ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे, अब ये देख लेते कौन है अपने पास, C इज द सन ऑफ D, ये इसका सन है, मतलब ये आपस में भाई बहन होंगे और ये मेल मेंबर होगा, D इज द सन, ये ठीक है, D इज, C इज द सन ऑफ D, ठीक, हाउ इज D रिलेटेड टू A, हाउ इज D रिलेटेड टू ए, डॉटर, ये है ना अपने पास, सही डॉटर, क्योंकि यहां पर ये आपस में भाई बहन है, और अगर ये इसका माता या पिता होगा जो भी होगा, तो ये भी इसके यहां पर क्या होगी बेटी होगी, चाहे वो पिता हो चाहे वो माता रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बेटी, ये हमारा आंसर होगा, सी डी का पुत्र, now the next, given that A is the, मान लेते हैं, मान ले A B की मां है, A B की माता राम है, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया, फीमेल मेंबर हो गया, इसका बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, ठीक है, A B की मां, C A का पुत्र है, C A का पुत्र है, तो सी ए का यहां पर क्या हो गया पुत्र हो गया, मतलब यहां पर ये मेल मेंबर हो गया, सी ए का पुत्र, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, अब अलग चीज है ना अपने पास, डी ई का भाई है, तो ई डी कुछ भी हो सकती है, ई बी की बेटी है, ई यहां पर क्या है बी की बेटी है, ठीक है, ई बी की बेटी है, ई जो ई है ना ये इसकी बेटी, मतलब फीमेल हो गया, ये आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है, ये ई बी की बेटी है, ठीक, तो डी की दादी कौन है, डी की यहां पर क्या हो जाएगा डी की दादी कौन है, डी की दादी, डी की दादी बोला है, तो डी की दादी कौन होगी, ए, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अच्छा ये इसकी बेटी है, तो
तो यहाँ पर एक ही बेटी, तो मतलब यहाँ इसका ये इसका भाई है ना, मतलब ये इससे क्या होगा अपने पास, ये इसकी जो माँ होगी, मतलब इसका जो भी होगा, जो इसकी क्या होगी, माँ होगी, तो यही इसका यहाँ पर क्या होगा, दादी होगी। तो डी की दादी कौन है, क्योंकि आपस में भाई बहन है यहाँ पर, और ये इसकी माँ है, ये इसकी माता राम है ना, तो अपने बच्चे क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास ग्रैंड मदर ऑफ डी। ठीक है, अगला, A is B's sister. A B की बहन है, ठीक। C is B's mother. C B की माता राम है, मतलब ये दोनों की भी माता राम होगी, ये दोनों के भी यहां पर क्या होगी, माई। D is C's father. अच्छा, D is C's father. जो D है वो C का यहां पर क्या है, father है, मतलब पिताश्री है, तो ये इनका दादा ही होगा। ठीक है, और क्या दिया है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, ये दिया ना। अच्छा, पूछा क्या, अपन ये देख लेते ना भाई, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए इज रिलेटेड टू, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका पोता हो जाएगा, सॉरी दादा हो जाएगा, हाउ इज ए, ए सॉरी ए है ना, ए यहां पर क्या हो जाएगा, उसकी पोती, हाउ इज ए लेट, अपने को आगे पूछा, अपने क्या ए और डी का पूछा, तो अपने को आगे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे संबंध रखती है, तो इसकी पोती का हो जाएगा, और डी ए से कैसे संबंध होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, दादा का हो जाएगा, फिर नाना का हो जाएगा, याद रखना, तो ये पोती का होगा अपने यहां पर, ठीक है ना, इसी को याद रखना। अगर मैं बोला कि ये याद रखना, जैसे अब अगर सपोज मैं यहां पर याद रखना इसको, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता का होगा, और ये बोला सी का डी से क्या संबंध है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्री का होगा, ये चीज को यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछते हैं। ए इज फादर ऑफ एक्स, अच्छा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या आपके पास पीएससी में क्या हो गया, आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके पास ज्यादा पूछते हैं, आपके उसके हिसाब से ज्यादा हो जाता है। ए एक्स का पिता है, ए एक्स का, ए एक्स का पिता है, तो ये इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, ठीक है। बी वाई की मां है, बी वाई की, बी वाई की मां है, तो ये इसका बेटा भी हो सकता है और ये इसका बेटी भी हो सकता है, ठीक। एक्स और जेड की बहन वाई है, एक्स और जेड की बहन वाई है, जड़ है, जड़ यहां पर क्या हो गया, बहन हो गया, ठीक है। एक्स और जड़ की बहन वाई है, ये एक्स और जड़ की बहन यहां पर वाई हो गई, तो मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये आपस में भाई बहन खेल रहे हैं और ये दोनों अपने पास, ये दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है। निश्चित रूप से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बी जड़ की मां है, बी जड़ की मां है, सही है, बी जड़ की माँ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। बी की एक बेटी है, बी की एक बेटी नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि यहां पर नहीं बोल सकते अभी, ये अभी नहीं बोल सकते। वाई ए सी का पुत्र है, वाई ए सी का पुत्र है, सी के बारे में बात ही नहीं हो रहा है यहां पर है ना, सी के बारे में बात हो रहा है क्या, नहीं, तो सी के बारे में बात हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो अपन ये नहीं बोल सकते। एक्स जड़ की बहन है, एक्स जड़ की बहन है, एक्स जड़ की बहन है, बिल्कुल सही बात है, एक्स नहीं नहीं सॉरी, इसको भी अपन नहीं बोल सकते, कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अपने पास ये सही बात है।
बी की एक बेटी है, बी की एक बेटी अपन निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। वाई ए सी का पुत्र है, इसे यहाँ पे ये सब चीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाई ए सी का पुत्र है क्या? यहाँ पे सी के बारे में बात ही नहीं हो रही है, सी के बारे में बात ही नहीं हो रही है, एक्स जेड की बहन, ये सब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक, एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है, हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया अपने पास, सी के बारे में बोल दिया। यहाँ सबके बारे में बात किसकी हो रही है, ए की, बी की, एक्स की, वाई की, यहाँ पे सबके बारे में बात हो रही है, जेड की, लेकिन अचानक कौन कूद गया अपने पास, सी कूद गया है। तो अपन देखते समझ जाएंगे ये वाला 100% श्योर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर सी के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है ना, देख लीजिए अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आपका अभी के पैटर्न के हिसाब से ब्लड रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी के पैटर्न के हिसाब से जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहां से पूछता है। P प्लस Q का अर्थ दिया है P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q। अच्छा, जब इसको बनाएंगे ना तो केस भी याद रखना, जैसे मैं बोला P प्लस P हैश Q, मतलब P इज द फादर ऑफ Q, तो P यहां पर क्या हो गया, फादर हो गया, मतलब ये इसका फादर हो गया, तो ये इसका सन भी हो सकता है और ये इसकी डॉटर भी हो सकती है, दोनों चीज को याद रखना। ठीक है, तो जब अपन स्टेटमेंट बनाएंगे अपन साथ में लेके चलेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि A का D संबंध निकालना है, A प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, प्लस मतलब P इज द मदर ऑफ Q, तो A इज द मदर ऑफ B, ये इसकी मदर हो गई, और यहां पर कौन है अपने पास, B, ये इसका सन और ये इसका डॉटर में से कुछ भी हो सकता है, ये कंफर्म है कि इसकी मदर है। B हैश C, हैश मीन्स फादर ऑफ Q, फादर ऑफ Q मतलब जो सन वाला और डॉटर वाला काम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर B इसका यहां पर क्या बोल रहा है, प्लस में क्या बोल रहा है, P इज सॉरी हैश है ना, हैश में क्या दिया है, फादर ऑफ P इज द फादर ऑफ Q, मतलब B इज द फादर ऑफ D, B इज द फादर ऑफ C, तो ये इसका फादर हुआ, तो ये इसका सन और ये इसका डॉटर हो सकता है। और यहां पर ये वाला जो केस है आपके पास, ये वाला केस है, ये वाला केस यहां पर क्या बन जाएगा, ये इसका क्या बनेगा, सन बनेगा, ये इसका यहां पर क्या बनेगा, सन बनेगा। ठीक है, और वो उसका बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। फिर साथ में यहां पर क्या दिया अपने पास, माइनस का चिन्ह दिया, माइनस मतलब इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू यहां पर कौन दिया अपने पास, लास्ट में डी दिया है, तो ये इसका यहां पर क्या, ये दोनों आपस में यहां पर भाई बहन है। ठीक है, ये इसका यहां पर क्या दिया अपने पास, पी इज द माइनस में ब्रदर, ब्रदर मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, डॉटर वाला सीन है वो उसका कट जाएगा, तो यहां पर ये क्या बच जाएगा, ये इसका यहां पर क्या होगा, ये इसका यहां पर क्या होगा, सन होगा। ठीक है, ये इसका पिता होगा, और यहां पर ये कुछ भी हो सकता है, ये इसकी सिस्टर भी हो सकती है और ये इसकी यहां पर ब्रदर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आपको हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए ए किस प्रकार संबंधित है, दादी है ना भाई, ये इसके यहां पर क्या हो गया, ये इसका यहां पर क्या हो गया, पिता हो गया, ये तो कंफर्म है कि ये दोनों का यहां पर क्या हो गया, पिता, और ये पिता की माँ है, तो यहां पर क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा पूछता, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन पहले बैंकिंग में पूछता था, लेकिन क्या होता है आज के पास, आजकल आपके पास क्या होता है, ये जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आजकल ये वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछता है। इसका सबसे आसान तरीका क्या मालूम, ऑप्शन को एलिमिनेट करना। आपके पास जैसे चार ऑप्शन है, आप चार में से क्या करेंगे, मान लो दो को एलिमिनेट कर दिए, एक को एलिमिनेट कर दिए, तो आपके पास क्या होगा, बच जाएगा कि आपको क्या चीज आपको सॉल्व करना है आपके पास। ठीक है, तो अब हमको ये हमको सेम जो पहला वाला स्टेटमेंट था आपको, P इज द फादर ऑफ Q, ये हमको इस तरीके से दिया हुआ है और हमको बोला है कि विच शोज दैट A इज द आंट ऑफ E, A इज द आंट ऑफ A, मतलब A क्या होगा, फीमेल मेंबर होगा, A क्या होगा, फीमेल मेंबर होगा, फीमेल मेंबर मतलब अगर मैं यहां पर हैश में लेता हूं तो P इज द फादर ऑफ Q, मतलब हैश वाला जो साइन होगा उसमें सामने वाला यहां पर क्या होगा, वो किसका प्ले करेगा अपने पास, वो हमारे पास लड़के मेल का करेगा और हमको चाहिए फीमेल,
तो पहले में ये जो हैश वाला दिया ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और ब्रदर मतलब माइनस वाले में, माइनस वाले मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो रिलेशन में हमको यहां पर क्या बता रहा है कि ए जो पोर्शन है ना ये मेल रोल को प्ले कर रहा है, और हमको क्या खोजना है, ई इज द आंट ऑफ ई। आंट को खोजना मतलब वो उसके अपने पास चाची को खोजना है, तो लड़का वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और बचा हमारे पास दो ऑप्शन, हम उन दोनों में चेक कर लेते हैं, ठीक। लेट्स गो फॉर दिस वन, ठीक है। अभी ये सामने तो अपन पहले इसी को देख लेते हैं यहां पर क्या होता है, ठीक है। ओके, ए स्टार बी, स्टार मतलब मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये इसकी बहन हुई, ठीक है, ये इसकी बहन हुई। अगर उसकी बहन क्या, अगर उसके यहां पर क्या हो जाएगा, बेटी का रिलेशन निकलेगा तो अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसकी बेटी का रिलेशन अपने पास जो भी होगा, ठीक। हैश फादर ऑफ क्यू, ये इसका फादर है, ठीक है। आपस में ये मतलब, अब मतलब ये इनको आपस में भाई बहन चाहिए, माइनस में क्या दिया है, ब्रदर, ठीक है भाई, माइनस में यहां पर क्या दिया, ब्रदर दिया है, और हैश में यहां पर क्या दिया, सिस्टर दिया है, ठीक है। नहीं, हैश में यहां पर क्या बोल रहा है, अच्छा पहले हैश देखते हैं। पी मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज द पी हैश क्यू, पी हैश क्यू मतलब सिस्टर, ये इसकी यहां पर क्या हो गई, अच्छा ये इसका फादर हो गया और ये इसकी सिस्टर हो गई, ये इसकी सिस्टर हो गई ना भाई, ठीक, सिस्टर हो गई, और सिस्टर के साथ में यहां पर क्या हो गया, ये इसकी सिस्टर हुई, और सिस्टर के साथ में माइनस में यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक, ये इसकी सिस्टर का ब्रदर, तो ये रिलेशन अपने पास नहीं बन रहा है, तो वो अपना आंसर आएगा नहीं, तो आंख बंद करके अपन लोग क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे, ठीक है ना, आगे अपने को सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अपने पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो स्टेप वाला, जब लंबा वाला क्वेश्चन होता है ना, हम उसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, वो आपको इजी पड़ेगा आपके पास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट वाला आपके पूछता है ना, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स करके, ये आपको आजकल ज्यादा पूछ रहा है ना, तो याद रखना भाई, ये वाला x इज द फादर अपने को दिया हुआ है। इफ इट इज गिवन p इंटू आर माइनस क्यू, यदि कौन सकती है, ठीक, p इंटू आर माइनस क्यू, p इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू, इंटू में क्या दिया है, x इज द ब्रदर ऑफ y, p इज द ब्रदर, ये इसका भाई है, ये इसका भाई बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक, डिवाइड में क्या दिया है, डॉटर ऑफ वाई, ठीक है ना, आर इज द डॉटर ऑफ, आर इज द डॉटर, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है, ये इसके, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये हम जानते हैं, और क्यों क्या हो सकता है, उसका माता भी हो सकता है, उसका पिता भी हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू अपने को ये करना है, ठीक है ना। अच्छा, पी इज द अंकल ऑफ क्यू, नहीं नहीं, पी इज द उसका बेटा ही होगा, पी क्यू का बेटा अपने के खोजना है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, ये इसका बेटा ना, तो यहां पर ये क्या होगा, या तो ये इसकी क्या होगी, माताराम होगी, ये इसकी या तो माताराम होगी या तो पिताश्री होंगे, और ये इसका भाई है, तो हर कंडीशन पे यहां पर क्या होगा, पी क्या होगा, क्यू का क्या होगा, बेटा होगा अपने को, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी क्यू का पुत्र है, आपको यही निकालना था, ये हमको स्टेटमेंट सही होगा, बाकी सब गलत है, आपके पास पी क्यू का भाई आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है।